देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज ऑनलाइन हिंदी न्यूज। खबर नवादा से है। राज्यव्यापी प्रतिवाद, भाकपा ने प्रतिवाद मार्च निकालकर बताया कि मुजफ्फरपुर में दलित लड़की के साथ बलात्कार व हत्या किया गया था, उसी के खिलाफ भाकपा एपवा इंसाफ मंच ने नवादा शहर में मार्च निकालकर पूर्ण प्रदर्शन किया और समाहरणालय के समक्ष रैन बसेरा में एक दिवसीय धरना दिया। ऑल इंडिया के अध्यक्ष आनंद कुमार ने कहा कि मोदी के राज में बंगाल और मुजफ्फरपुर में बच्चियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, बैंक डकैती हो रही है, नित्य दिन हत्या लूट हो रही है, यह कौन सा राज चल रहा है जिस पर कोई भी कुछ कहना नहीं चाह रहा है। नवादा जिला से अनिल शर्मा की रिपोर्ट। असल में देश में दलित उत्पीड़न जो है बहुत बढ़ गया और मोदी के राज में एक तरफ जो है लोगों का अधिकार छीना जा रहा है, गरीब गुरबे का कानूनन जो है ऐसा कानून बनाया है कि गरीब मजदूरों को कोई अधिकार नहीं रह जाएगा अपना लड़ाई लड़ने का, मांग उठाने का। और दूसरी ओर जो है लोगों को डिमोरलाइज करने के लिए लगातार दलित परिवारों से महिलाओं के साथ छेड़खानी और बलात्कार और हत्या ये सब हो रहा है। अभी हाल घटना है बंगाल में हुआ, डॉक्टर के साथ डॉक्टर ने इलाज करती है, रात भर ड्यूटी की है और उस डॉक्टर लड़की के साथ बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी जाती है। पारू में मुजफ्फरपुर में इस तरह से हत्या की गई, घर से टांग कर ले जा कर के और उसके साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। और इस पर सरकार या सरकार पर पार्टियां चुपचाप मौन है, क्यों हो रहा है उनके राज्य में? हर रोज जो अखबार में देखिएगा कि कहीं ना कहीं गोली मार करके हत्या कर दी गई, कहीं ना कहीं बैंक लूट लिया गया, कि कौन सा राज चल रहा है, कौन सा लोकतंत्र है, इसी के खिलाफ जो है हम लोग भाकपा माले की ओर से और उनके घटक संगठन एपवा ऑल इंडिया स्पेशल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन इंसाफ मॉन्यूमेंट्स एसोसिएशन का तरफ से आज प्रतिबात में। क्या नाम हुआ आपका? आनंद ठाकुर नाम हुआ, ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन के जनरल सेक्रेटरी।